नमस्कार दोस्तों, दिस इज शेखर फ्रॉम एनके ट्रेडिंग टिप्स। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको एक क्लैरिफिकेशन अबाउट माय लॉजिक ए क्लोजिंग बेसिस पार्ट टू, इंट्राडे ट्रेडिंग पार्ट टू विथ क्लोजिंग बेसिस। ये वीडियो का लॉजिक क्लैरिफिकेशन करने के लिए आज ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, आपको दे रहा हूँ। सो आप ये वीडियो से आप कंपेयर करो, ये अभी मैं दे रहा हूँ वो वीडियो भी आप देख लो। स्मॉल चेंजेस है इसमें और ज़्यादा चेंजेस कुछ भी नहीं है। थोड़ा ज़्यादा परफेक्शन के लिए ये दिया था आपको। सो यूजुअली एवरी चैनल एवरी वीडियो में मैं बता रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूं, सो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। अभी आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक बटन में क्लिक करो, अच्छा नहीं लगा तो आपको डिसलाइक बटन है इसमें क्लिक करो। बाद में आप यहाँ कमेंट डाल सकते हैं, बहुत लोग कमेंट्स दे रहे हैं। सॉरी, बहुत लोग यह कमेंट्स भी दे रहे हैं। सो आप भी, आपका कोई मन में कोई डाउट है तो इस यह आप एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करेंगे। ये क्लोजिंग बेसिस ट्रिक है, पार्ट टू का सेकंड वीडियो है। ये कंप्लीट इंट्राडे ट्रेडिंग, कंप्लीट इंट्राडे ट्रेडिंग इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए बनाया और अच्छा प्रॉफिट्स भी निकल रहे इसमें। कल भी मैं व्हाट्सएप में एक जुबिलेंट फूड का लेवल भी बताया। ये पहले मेन रीजन है कि थोड़ा वो लॉजिक के हिसाब से थोड़ा क्लैरिफिकेशन करने के लिए मैं दे रहा हूँ। सो आप लॉजिक एक बार माइंड में रखने के लिए आप ये वीडियो बार बार देखना पड़ेगा। ये लॉजिक, ये क्लोजिंग बेसिस पार्ट टू का वीडियो का मेन रीजन है मार्केट में सेल करना है। ये लॉजिक में फाइंड आउट हुआ वो सब स्टॉक्स में आप सेल करिए तो आपको 100% प्रॉफिट मिल जाएगा। इसके लिए कुछ भी नहीं है। आप कल मेन आप डेली आप वीडियोस सॉरी टीवीस देखते, कोई ट्रेडिंग रिलेटेड ईटी न्यूज एंड जी बिजनेस, किसी में भी आपका फ्रेंड कुछ भी लेवल्स आपको मालूम पड़ा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अगर मार्केट सेलिंग में आया बोले तो निफ्टी या बैंक निफ्टी दोनों मिला के गैप डाउन हुआ, नहीं तो कल भी थोड़ा लास्ट में क्लोज हुआ। सो आज भी ओपन हुआ, लास्ट में ओपन हुआ, ऐसा कुछ आपको नज़र दिखे तो जस्ट आप यहाँ आके चार्ट लिंक में जाके स्कैनर में क्लिक करो। ये पार्ट टू का स्कैनर में क्लिक करो, जो आपको स्टॉक्स आया उसमें आप काम करो और कुछ भी नहीं देखने का जरूरत नहीं है। अगर मार्केट थोड़ा बेरिश में है बोल के आपको मालूम पड़ा तो डायरेक्ट ये लॉजिक अप्लाई करो, डेफिनेटली आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट मिल जाएगा। सर, कंडीशंस कुछ भी नहीं है, सेम जैसा कंडीशंस है। ये वन डे एगो है ग्रेटर देन टू डेज एगो है। वन डे एगो है बोले तो कल का, आज मैं हम लोग बैठा, आज मैं हम लोग स्कैन कर रहा हूँ। सो वन डे अगो बोले तो कल का, यस्टरडे, कल का जो हाई है दो दिन का पहले हाई से ज्यादा रहना है। दो दिन का है बोले तो पिछले सेकंड डे का हाई से कल का हाई ज्यादा रहना है। सिंपल लॉजिक वन पॉइंट है। और सेकंड पॉइंट है लेटेस्ट हाई, लेटेस्ट है सेकंड पॉइंट
थर्ड में मैं बताऊंगा आपको। थर्ड पॉइंट क्या है, वन डे एगो क्लोज। वन डे एगो बोले तो कल, कल का क्लोज कम रहना है, कल का ये थोड़ा करेक्शन है, सॉरी, वन डे एगो क्लोज, कल का क्लोज टू डेज एगो है, बोले तो पिछले सेकंड डे है से कल का है, कल का क्लोज कम रहना है। वेरी सिंपल है, पहले आप देखना है कल का है ज्यादा है या नहीं है, ज्यादा है ये कंडीशन मैच हो गया। नेक्स्ट क्या देखना है, कल का क्लोज कम है या नहीं है, कल का परसों का, परसों का है से कंपेयर किया तो कल का क्लोज कम है या नहीं है, वो देखो बस है। नेक्स्ट देखना है वन डे एगो वैल्यूम, कल का वैल्यूम कितना है, वो कल का वैल्यूम ज्यादा रहना है तीसरा दिन, पहले तीसरा दिन का वैल्यूम से कंपेयर किया तो कल का वैल्यूम ज्यादा रहना है। कहाँ भी आप ढूंढ सकते, नहीं तो हम अभी मैं चार्ट लिंक में एक स्कैनर भी बनाया, अभी रेडी है, वो वीडियो देखने के बाद आप वो स्कैन रन करके आप ट्रेड आराम से कर सकते। मार्केट में या यूट्यूब में बहुत लोग हैं, बहुत चैनल्स हैं, बहुत लोग लॉजिक बता रहे, इंट्राडे ट्रेडिंग बता रहे, प्रॉफिट कमाने के लिए बता रहे। स्टॉक्स कैसे ढूंढना, कोई भी नहीं देगा आपको, क्योंकि उनको नहीं मालूम है। मगर मेरा लॉजिक है, मेरा लॉजिक के हिसाब से वो लॉजिक किस में कंडीशंस मैच हुआ वो बता रहे हैं हमारा स्कैनर से। आपको बहुत इजी है ये, नेक्स्ट लास्ट वन क्या है, पहले हम लोग सेकंड को हम लोग छोड़ दिया, लेटेस्ट है बोले तो आज का है, आज हम लोग मॉर्निंग स्कैन किया सो आज का है, आज का है कम रहना है, कल का है से कंपेयर किया तो आज का है कम रहना है। सिंपल है, आपको मालूम नहीं पड़ा तो बार बार देख लो, मिनिमम 20 टाइम्स देखना है एक एक वीडियो आप, 20 टाइम्स वॉच करने के बाद भी आपको लॉजिक आपका माइंड में क्लियर जैसे नहीं आया तो आप छोड़ दो, कभी भी ये वीडियो मध्य को छोड़ दो, कम्प्लीटली छोड़ दो, आपका कोई नोटिफिकेशन आए तो वो भी निकाल दो। अगर लॉजिक माइंड में आ गया अप्लाई करो, बेस्ट अप्लाई कब करना है बोले तो मार्केट कब माइनस में जा रही जब करो, मार्केट बोले तो मैं इंडेक्स का बात कर रहा हूँ। एज यूजल आप देख सकते ट्रेडिंग पार्ट, एंट्री लेना है प्रीवियस क्लोज प्राइस बिलो, कल का क्लोजिंग प्राइस से कम लेवल में आप कर सकते। आपका अपॉर्चुनिटी मिला तो ओपन प्राइस में करो। अगर आप जब आप मार्केट ओपन हो गया, एक घंटे हो गया बाद में आप स्कैन किया, वो टाइम में आप हाई प्राइस में चल रहे समझो, वो टाइम में सेल करो, क्योंकि पहले कल का है हमारा स्टॉप लॉस है, सो आपका रिस्क भी बहुत कम हो जाएगा और रिवार्ड भी आपको डबल अमाउंट आ जाएगा, डबल वैल्यू आ जाएगा। स्टॉप लॉस देखो, यहाँ प्रीवियस डे है कंप्लीट स्टॉप लॉस है, इसमें बफर कुछ भी रखने की जरूरत नहीं है। और टारगेट वन डबल दी वैल्यू ऑफ डिफरेंस बिटवीन एंट्री एंड स्टॉप लॉस, एज यूजुअली हमारा ऑल वीडियोस में यही है। अभी हमारा ये 1 पॉइंट रिस्क ले रहा है, एंट्री ले रहा है, स्टॉप लॉस रख रहा है, दोनों के बीच में 1 पॉइंट स्टॉप लॉस है, सो 1 पॉइंट लेना है तो मिनिमम हम लोग 2 पॉइंट निकाला तो बेस्ट है, क्योंकि अगर आप 10 कॉल्स ऐसा किया तो 10 एंट्रीज लिया तो आप उसमें से आपको 80% कम से कम आप 60% है तो भी आपके पास 60 बोले तो आपको 2 पॉइंट आया 6 कॉल्स में, सो 12 पॉइंट हो गया, और रिमेनिंग चार एंट्रीज है उसमें लॉस आया 4 पॉइंट से आया लॉस,
और कितना बचा, 12 से 8, 8 निकाला तो आपको 4 निकाला तो आपको 8 बचा, 8 पॉइंट बचा। सो आपका इन्वेस्टमेंट से आप कंपेयर किया तो प्रॉफिट आपको अराउंड 60-70% हो जाएगा। सो अभी एक क्लैरिफिकेशन के लिए क्लैरिफिकेशन देता हूँ, चार्ट में कैसा देखना है बोल के, इसलिए हम मैं चार्ट लिंक ओपन कर रहा हूँ। ये चार्ट लिंक का एक प्राइवेट वेबसाइट है, उन्हें फ्री में दे रहे स्कैनर, सब कुछ फ्री में दे रहे। हमारा काम है स्कैन रन, स्कैन करने के ही काम है, आपका ज़्यादा सोचने का ज़रूरत कुछ भी नहीं है। मार्केट माइनस में है, आप ये ओपन करो, जस्ट लॉजिक डायरेक्ट आ जाएगा, जस्ट रन स्कैन ये क्लिक करने है आप, इस आपका काम है खाली रन स्कैन करने है। मैं जो बताया कंडीशंस ऑल कंडीशंस यहाँ है, सो इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है, खाली रन स्कैन दबाओ। दबाने के बाद इसमें यहाँ देखो ये फ्यूचर सेगमेंट है, आप फ्यूचर बोले तो फ्यूचर रख सकते, कैश बोले तो कैश रख सकते। मैं फ्यूचर्स लगाया, सो रन स्कैन डाला, प्रेस किया, सो इतना 15 स्टॉक्स आया। बहुत लोग पूछ रहे ये वीवर्ड चार्ट में आप बता रहे, बोले तो परफॉर्मेंस कल से स्टार्ट होता, परफॉर्मेंस बताने के लिए आप पहले लॉजिक क्या है, लॉजिक में लॉजिक के हिसाब से कैसे काम करना वो देख लो आप। परफॉर्मेंस डेफिनेटली आपको प्रॉफिट है, देखो इसमें 15 लास्ट तक आप वेट किया तो ठीक है, अगर पहले आप स्कैन किया जो स्क्रिप्ट आया वो स्क्रिप्ट अभी नहीं है समझो आप, वो स्क्रिप्ट बोले तो स्कैनर क्या करेगा, कंडीशन के हिसाब से वो स्टॉक्स हाईलाइट करेगा। एक बार एक आधा घंटे मार्केट होने के बाद, एक आधा घंटे ये 1 आवर होने के बाद अगर प्रीवियस डे हाई क्रॉस कर दिया समझो, जब ये लिस्ट से वो चला जाएगा। जब अगर आप वो स्टॉक में है तो आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। सो बहुत लोगों का मन में यही है, अटेंड किया तो प्रॉफिट आना है, परफेक्ट देव परफेक्ट देव, ऐसे परफेक्शन कुछ भी नहीं रहता मार्केट में। एक लॉजिक से हिसाब से, एक स्ट्रेटजी के हिसाब से आप 10 कॉल्स किया तो, 10 एंट्रीज लिया तो उसमें से कितना प्रॉफिट आया, कितना एक्यूरेसी आया वो देखो बस है। बैक टेस्ट करो, होमवर्क करो, ईवीडी चार्ट ओपन करो, ईवीडी चार्ट ओपन करके या वो कंपेयर करो आपको कौन सा अच्छा है, अच्छा स्टॉक्स है, फेवरेट स्टॉक्स रहता ना कोई, किसी को भी बोलते SBI बोलते, किसी बोलते लुपिन बोलते, सो उसमें देख लो आप। ये परफेक्शन है आपका फेवरेट स्टॉक में, ये लॉजिक कंडीशन मैच हो गया वो दिन आपको पॉकेट फुल हो जाएगा। ठीक है चलो, यह एक लिंक है, चार्ट का लिंक ओपन कर रहा हूँ। आ गया अदानी पोर्ट्स का चार्ट, आ गया ईओडी चार्ट है, मैं ईओडी चार्ट ही लगाया। ये रेड वाला दिख रहा है कैंडल, ये कल का हुआ, सो ये कल का बोले तो कल हम लोग बैठा काम करने के लिए, ट्रेड करने के लिए। सो आज से कल बोले तो ये एक दिन है, 1 डे अगो बोले तो ये देखना है, 2 डे अगो बोले तो ये देखना है, 3 डे अगो बोले तो ये देखना है, 3 दिन का पहले बोले तो ये आज है, 1, 2, 3 तीन दिन का पहले। अभी कंडीशंस मैच हुआ नहीं हुआ एक बार देख लो आप। राइट, पहले क्या है, 1 डे अगो है ग्रेटर देन 2 डेज अगो है। आज है 1 डे अगो बोले तो एस्टरडे का हाई जो है दो पहले
पहले सेकंड पहले दो दिन सेकंड डे का हाई से ज्यादा रहना है। सो सेकंड डे बोले तो ये है, मैं बोला ना आपको सेकंड डे ये हाई से ये है ज्यादा है, एक वन कंडीशन मैच हो गया। सेकंड लेटेस्ट है लेस देन वन डे अगो है, आज का है, आज का है, आज आप कब स्कैन किया, जब है तो ये बताएगा। सो आज का है कम रहना है, कल का है से कंपेयर किया तो कम रहना है, कम भी है इसमें। वन डे एगो क्लोज ग्रेटर देन 2 डेज एगो हाई, पिछले सेकंड डे का हाई से कल का हाई, कल का क्लोज कम रहना है। सो देखो सेकंड डे का हाई ये है कितना, 413 है। सो क्लोजिंग कम हुआ, ये कंडीशन भी मैच हो गया। नेक्स्ट वन डे एगो वैल्यूम ग्रेटर देन 3 डेज एगो वैल्यूम, तीन तीन तीसरा दिन का, पिछले तीसरा दिन का वैल्यूम से कंपेयर किया तो कल का वैल्यूम ज्यादा रहना है। सो यहाँ वैल्यूम बोल के है, देख लो वी आई बोल के वैल्यूम बोल के है ना, ये इस यहाँ देख लो आप, मैं कर्सर लेके जा रहा हूँ तीसरा दिन का, तीसरा दिन का वैल्यूम 41,000 है, 41 लैक्स है। सो यस्टरडे का 43 है, ये कंडीशन मैच हो गया। आप सेल किया, टारगेट देखो, टारगेट यहाँ आई से 414 408 या 408 मैं बोल रहा हूँ, 4 जिन आपको नहीं मिला ठीक है, 408 सिक्स पॉइंट्स है, 408 से 6 पॉइंट्स बोले तो 12 पॉइंट चाहिए हम लोगों को चाहिए। सो 390 आठ बोले तो 392, सो 392 मार्केट ने नहीं गया, सो क्लोजिंग तक आया, टारगेट हो गया, टारगेट नहीं हुआ, 408 से लो मारा, 10 पॉइंट्स आया, सो 8 पॉइंट में निकल जाओ। क्लोजिंग भी दिया था आपको 7 पॉइंट्स दिया था, ठीक है चलो नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट कंटिन्यूटी क्यों, बाद में ए में एक देख लिया हम लोग, बी में एक देखेंगे बर्जर पेंट्स। याद है अगेन कंडीशंस देख लो आप, एस्टरडे का हाई ज्यादा रहना है, 2 दिन का हाई से कंपेयर किया तो ज्यादा रहना है। सो एस्टरडे हाई ये है 269.5, सेकेंड डे बोले तो 1.2, सेकेंड डे हाई से ज्यादा है, ये कंडीशन मैच हो गया। लेटेस्ट है ग्रेटर देन वन डे, कल का हाई से कंपेयर किया तो आज का हाई कम रहना है, आज का हाई ये है, कल का हाई से कंपेयर किया तो कम ही है, सेकंड कंडीशन भी मैच मैच्ड। नेक्स्ट वन डे अगो क्लोज ग्रेटर देन 2 डेज अगो, 2 दिन का पहले हाई से कंपेयर किया तो कल का क्लोज कम रहना है, कल का क्लोज ये है, 2 दिन का है ये है, ऐसे कंपेयर किया तो क्लोज ये भी सेटिस्फाई हुआ। लास्ट वन वन डे एगो वैल्यूम ग्रेटर देन 3 डेज एगो वैल्यूम, मैं थोड़ा ऊपर कर रहा हूँ, देखो यह वैल्यूम 1 3 डेज 1 2 3, 3 डेज का वैल्यूम कितना है, 3 लैक्स 35,000 आया था। सो वन डे एगो क्लोज 6 लैक्स हुआ, यह भी आ गया। यह आप देखो यहाँ ही है, अगर 250 260 हाई के ऊपर, हाई के नीचे है 260, हाई कितना है 260.30, अगर 259 में आप एग्जिट हुआ, एंट्री ले लिया 252, 6 पॉइंट आया, इसमें भी ज़्यादा लॉस है मगर रिस्क है तो यही रखना है हम लोग, स्टॉप लॉस 69 59 10 पॉइंट स्टॉप लॉस है इसमें। मार्केट दिया आपको 259 टू 252, 7.6 पॉइंट दिया था। सो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं
लॉजिक में परफेक्ट हो जाओ पहले, लॉजिक में परफेक्ट हुआ तो आपको एंट्री इजी हो जाएगा। कभी भी आप मार्केट ईओडी चार्ट देखे तो आपको इजीली फाइंड आउट हो जाएगा, और दो कंडीशन आ गया सो नेक्स्ट डे हम लोग ये स्क्रिप्ट में हम लोग पोजीशन लेने के लिए हम लोग रेडी है। वो देखना है 6:30 को आपको मार्केट क्लोज हो जाएगा, एक घंटे दो घंटे रेस्ट ले लो, बाद में 5 o'clock या 6 o'clock सिस्टम के पास बैठ के आप देख लो, ईओडी चार्ट देख लो किस में आया क्या होता। होमवर्क करने के ज़्यादा काम किया तो आपको परफेक्ट एंट्री मिलेगा। मार्केट में कौन देगा बोले तो कोई भी नहीं देगा। सो आई एम रिक्वेस्टिंग यू प्लीज अंडरस्टैंड करो, बार बार देख लो वीडियो, लॉजिक वेरी सिंपल है। थोड़ा कन्फ्यूजिंग दिखे तो और ज़्यादा टाइम देख लो, ज़्यादा टाइम इसमें आप वीडियो देखने के लिए टाइम ले लो, पेपर ट्रेडिंग करो, प्रैक्टिस करो, मेन ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। मैं फर्स्ट वीडियो से मैं बोल रहा हूँ प्रैक्टिस। आप लॉजिक के हिसाब से प्रैक्टिस किया तो डेफिनेटली आपको परफेक्ट एंट्री मिल जाएगा। परफेक्ट एंट्री मिलने के बाद आपको पॉकेट फुल हो जाएगा। एनीवे फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर योर सपोर्ट।